तो हमने कहा था सपोज करो हमारे पास है साइन थीटा और साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो हमसे कहता है इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि जो वेरिएबल है थीटा उसकी वैल्यू निकालो। मैंने आपसे कहा था साइन जो है 1/2 30 के लिए होता है, इतना तो हमने 10th में भी पढ़ा है, लेकिन 150 के लिए भी होता है, 390 के लिए भी होता है, 510 के लिए भी होता है, एंड सो ऑन। मतलब क्या है, अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई अगर हमारे पास टू वैल्यूज आ गई, टू वैल्यूज क्या है, एक तो हमें पता चल गया कि 30 के लिए 1/2 होता है, और एक हमें मालूम हो गया सर कि सर हमारा जो है 150 के लिए भी 1/2 होता है। अब मैंने आपसे कहा था अगर हम 360 ऐड करते रहें तो 360 ऐड करने से पोजीशन और लोकेशन हमारी चेंज नहीं होती, तो हमारी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो अगर इन एंगल्स में हम 360 ऐड करते रहें तो जितने चाहे वैल्यूज, मतलब 360 + 30 तो 390, ये पास 360 + 150 तो 510, एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप जितनी चाहे वैल्यूज यहाँ से निकालते रहे, 360 ऐड करते जाइए। तो हमने आपसे कहा कि जो वैल्यूज, अगर हमारा जो एंगल है वो अगर 0 से 360 के बीच में लाई करता है, 0 to 360, तो उस सॉल्यूशन को हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ हमारे पास थीटा की जो वैल्यूज हैं वो बहुत सारी आ गई, 30, 150, 390, 510, 720 ऐड करेंगे तो 750, फिर 720 + 150 करेंगे तो हमारा 870, एंड सो ऑन। तो यार सो मैनी वैल्यूज। लेकिन जो वैल्यू 0 से 360 के बीच में है, यानी कि 30 एंड 150, तो वो हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। तो ये हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। मैंने लास्ट क्लास में एक बता दिया था कि इसका मतलब साइन थीटा अगर हम 1/2 ले रहे हैं तो इसका वन प्रिंसिपल सॉल्यूशन 30 भी है, 150 भी है। ये भी ध्यान रखना कि आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस 1/2 को हम साइन 30 लिख सकते हैं। तो नाउ हमारे पास कुछ इस तरह की एक इक्वेशन ही आ जाएगी कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थर्टी। लेकिन मैंने एक फार्मूला आपको बता दिया था, ये फार्मूला आज फिर डिस्कस करूंगा कि अगर आपके पास साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा होता है तो आप क्या कह सकते हो। आप कह सकते हो थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 to the power n alpha। तो अल्फा जो है हमारा, वो हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो कि यहाँ 30 है। तो अगर हम यहाँ वैल्यू रख दें, ये जो हमारा अल्फा है वो यहाँ ये है, तो अगर हम थीटा तो हमारे पास है ही, तो अल्फा की जगह अगर हम 30 रख दें तो हमारे पास सो मेनी सॉल्यूशन आ जाएंगे। थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n 30। तो अब जितनी चाहे वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे n हमारा जो होता है वो इंटीजर होता है, यानी कि प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो ये हमारे पास है। तो हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक हमारे पास होता है जनरल सॉल्यूशन और एक हमारे पास होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन ऐसा है जैसा हमारा एपी का एनएच टर्म, जनरल टर्म, उसमें आप एन की वैल्यू रखते जाइए और अपने सॉल्यूशंस फाइंड करते जाइए। तो ये शायद हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, सबको पता है ये चीज। हाँ भाई आवाज आ रही है मेरी? यस सर। इसका मतलब करते नहीं हो कुछ, बताओ जरा मुझे। कॉस थीटा हमारा माइनस हाफ है तो इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा? 60 डिग्री एंड 120। कॉस थीटा माइनस हाफ है तो हम पहले इसे टेबल से कंपेयर करते हैं। हाफ जो होता है वो कॉस 60 के लिए होता है, तो ये माइनस कॉस 60 हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये माइनस में है तो कॉस हमारा माइनस में कब होता है, कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है? सेकेंड एंड थर्ड। हमने आपसे कहा था अगर हमारे पास थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसको थीटा ही रखना है, अगर सेकेंड में है तो उसे पाई माइनस थीटा लिखना है,
और अगर थर्ड में है तो उसे पाई प्लस थीटा लिखना है, और अगर फोर में है तो 2π - थीटा लिखना है। यहाँ पे भी ध्यान से देख लीजिए, जो हमारा थीटा है उसे हम रेडियन में लिख लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो जैसे हम 60 लिख रहे हैं तो 60 को हम π/3 लिख लें। सब बच्चों को शायद अब आ गया होगा कि 1π/180 से मल्टीप्लाई करने से हमारा जो एंगल होता है वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है, पता है ना? तो पाई बाई जी सर, थ्री हमारा आ जाएगा, तो -cos π/3 लिखेंगे। अभी हमने कहा कॉस थीटा जो नेगेटिव होता है वो सेकेंड और थर्ड में होता है, तो कॉस थीटा इज नेगेटिव इन सेकेंड एंड थर्ड। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा cos π - थीटा, यानी कि π - π/3, और थर्ड के लिए हमारे पास हो जाएगा cos π + π/3। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3 - 1 यानी कि 2π/3, एंड ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3 + 1 cos 4π/3। तो इस तरह से आपके पास थीटा की दो वैल्यूज आ गई। तो अगर आपसे सिर्फ प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करता है तो यू हैव टू प्रिंसिपल सॉल्यूशन, 2π/3 एंड 4π/3। लेकिन अगर जनरल सॉल्यूशन की बात करता है तो फिर मेरे पास फॉर्मूला है cos θ = cos α। अगर ये है तो θ = 2nπ ± α। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो ये आ रहा है कि cos θ = cos 2π/3। तो cos θ = cos 2π/3 का मतलब cos θ = cos α। तो अल्फा हमारा 2π/3 है। तो यहाँ अगर हम सॉल्यूशन लिखने लगे तो हमारा सॉल्यूशन आएगा θ = 2nπ ± 2π/3। सब बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि अल्फा हमारा 2π/3 है। तो यहाँ जो अल्फा है उसको यहाँ रख दीजिए, ठीक है सर? आइए जरा ध्यान से देखिए होता क्या है। सब बच्चे, एक्चुअली होता क्या है, मैं अगर ये कह रहा हूं कि भाई साइन थीटा जीरो है, साइन थीटा अगर जीरो है बेटे तो हमारे हमें इतना मालूम है कि साइन थीटा जीरो साइन जीरो के लिए होता है, ठीक है? लेकिन आप जरा ध्यान से देखिए 90 के लिए क्या होता है भाई, वन वन। लेकिन साइन 180 क्या होता है, साइन 180 हो जाएगा साइन 180 + 0 या 180 - 0, दैट इज साइन 0। 180 - 0 करोगे तो साइन ही रहेगा, साइन 0 हो जाएगा, अगेन 0। तो साइन थीटा जो 0 होता है वो 0 के लिए भी होता है और 180 के लिए भी होता है। अगेन आप देखोगे 270 के लिए नहीं होता है, -1 हो जाएगा, लेकिन 360 के लिए होता है। तो अगर आप चेक करोगे, 0 जो आ रहा है वो आएगा 0 के लिए, 180 के लिए, 360 के लिए, 540 के लिए। तो जब आप इस तरह से रखोगे तो क्या समझ में आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे, ये सारे के सारे 180 के मल्टीपल्स हैं। किसके मल्टीपल्स हैं, 180 के। इवन माइनस में भी आप जा सकते हो। तो हम कह सकते हैं अगर हम इसका जनरल टर्म निकालें एक तरह से, तो θ = nπ, π is 180, द मल्टीपल्स ऑफ 180। तो अगर हमारा थीटा जीरो है, साइन थीटा जीरो है, तो एक फॉर्मूला ये हो गया, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो तो थीटा विल बी एन पाई, मल्टीपल ऑफ एन पाई। तो दैट इज अवर जनरल सॉल्यूशन, वही जनरल टर्म से ही आ रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो आपको पता है कॉस थीटा जीरो जो होता है वो कॉस 90 के लिए होता है, ठीक है? जीरो के लिए नहीं होता है, जीरो के लिए वन होता है, 180 के लिए भी नहीं होता है। लेकिन अगर आप चेक करोगे तो कॉस 270 के लिए होता है, 360 के लिए नहीं होगा, 450 के लिए होगा, ठीक है? फिर आपके पास जो है 360 और 180 यानी कि 540 के लिए नहीं होगा, 540 प्लस 90 कर दो तो 630 के लिए हो जाएगा। तो ये सिर्फ आपको वैल्यूज बताने के लिए। तो इसका मतलब थीटा हमारा जीरो किस किस के लिए आ रहा है, 90 के लिए, 270 के लिए, 450 के लिए, 630 के लिए, ये हमारे पास है। तो यहाँ पे थीटा क्या आ रहा है, यहाँ पे थीटा आ रहा है 90 के मल्टीपल्स। थीटा क्या आ रहा है सर, 90 के मल्टीपल्स। लेकिन अगर आप मल्टीपल्स देखोगे तो 91 जा 90 आ रहा है, 92 जा नहीं आ रहा, 93 जा आ रहा है, 94 नहीं आ रहा,
तो यहाँ पे जो मल्टीपल्स आ रहे हैं वो 1, 3, 5, 7 आ रहे हैं, दीज आर ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90। तो इसका मतलब ये दूसरा फॉर्मूला आ गया, इफ इफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू जीरो देन थीटा इज इक्वल्स टू मल्टीपल ऑफ 90, लेकिन कौन से मल्टीपल, ऑड मल्टीपल, तो 2n+1। ध्यान रखना n प्लस वन नहीं लेंगे, एक्चुअली n आप कोई भी लीजिए, अगर आप उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वह इवन हो जाएगा, और उसमें प्लस वन कर दोगे तो वो ऑड हो जाएगा। तो 2n+1 इज ऑलवेज ऑड नंबर, n मल्टीप्लाई बाई पाई बाई टू, तो थीटा इज इक्वल्स टू 2n+1 π/2। तो ये हमारे पास होता है। और तीसरा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ईजी है, कि अगर tan थीटा जीरो होता है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए tan होता है साइन अपॉन कॉस, tan क्या होता है साइन अपॉन कॉस, तो जब जब साइन जीरो होगा तो tan ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब साइन वाला ही फॉर्मूला यहाँ चल जाएगा, तो थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई। तो तीन फॉर्मूले तो बेटे ये हैं कि हमारे पास अगर साइन थीटा जीरो है तो थीटा हमारा एन पाई होगा, अगर कॉस थीटा जीरो है तो थीटा हमारा 2n+1 π/2 होगा, अगर tan थीटा हमारा जीरो है तो थीटा हमारा एन पाई होगा, यानी कि वही साइन वाला होगा। तो तीन तो हमारे पास ये है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है, जरा ध्यान से देख लीजिए, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि अगर हमें साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा दिया जाए, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा अगर हमें दे दिया जाए, ठीक है, जहाँ पे अल्फा हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, ये ध्यान रखना, और क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन दो आते हैं तो हम कोई सा भी यूज कर सकते हैं प्रिंसिपल, आंसर सेम आएगा। पहले फॉर्मूले लिख लेते हैं फिर देखते हैं, एक फॉर्मूला प्रूव करने की भी कोशिश करते हैं। अगर साइन थीटा साइन अल्फा के इक्वल है तो थीटा विल बी एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन अल्फा। पहला फॉर्मूला, इफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा देन थीटा विल बी 2n π + -α। एंड थर्ड, इफ टेन थीटा इज इक्वल्स टू टेन अल्फा देन थीटा इज इक्वल्स टू n π + α। तो ये हमारे पास सिक्स फार्मूलाज हैं, तीन हमारे पास जीरो के लिए हैं और तीन हमारे पास साइन कॉस टेन के लिए हैं। जरा एक बार लिखो इन्हें, नोट करो जल्दी से, पेन चलाओ, थोड़ी सी नींद भागे तो क्वेश्चंस करें छोटे छोटे से, और एक फार्मूला प्रूव भी करते हैं। हमसे कह रहे हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू -√3 देन फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन। तो आपको सीधा सीधा सा क्या करना होता है, वॉल्यूम कम करिए और गेट बंद करिए, अमीर हमजा बेटे गेट बंद करिए यहाँ से, और वॉल्यूम थोड़ा सा लो रखिए। टेन थीटा -√3 है बेटे, तो -√3 को टेबल में कंपेयर करो कि टेन में रूट थ्री कब होता है, तो वो 60 के लिए होता है, और 60 को आप पाई बाई थ्री कहेंगे। तो सबसे पहले अटेम्प में आप माइनस को कंसिडर नहीं करेंगे, आप वैल्यू को कंसिडर करेंगे। नाउ टेन हमारा नेगेटिव है, तो टेन हमारा नेगेटिव जो होता है वो सेकंड में होता है और फोर्थ में होता है, फर्स्ट थर्ड में पॉजिटिव होता है। तो हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट के लिए थीटा रखना होता है, सेकंड के लिए पाई माइनस थीटा रखना होता है, थर्ड के लिए पाई प्लस थीटा रखना होता है, और फोर्थ के लिए 2π - θ रखना होता है। ये हमारे पास है। तो हमें क्या करना है, टेन थीटा नेगेटिव है तो टेन थीटा इज नेगेटिव इन सेकेंड एंड फोर्थ। तो आपके पास क्या आ जाएगा सर, आपके पास आ जाएगा tan theta is equals to second में करने के लिए से pi minus theta करेंगे और fourth में करने के लिए से 2π - θ करेंगे, ऐसे। तो हमारे पास ये हो जाएगा सर 3 × 1 = −1 2π/3 एंड फोर्थ में करने के लिए हो जाएगा 3 × 2 = −1 tan 5π/3। तो सर ये हमारे पास हो गया, तो tan theta is equals to tan 2π/3 and tan 5π/3, that's it। तो अब हमारे पास दो सॉल्यूशन आ गए। तो अगर हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं theta is equals to 2π/3 and 5π/3। तो ये हमारा है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। फॉर जनरल सॉल्यूशन किसी भी एक को यूज कर लीजिए, हमारे पास आ जाएगा tan theta is equals to tan 2π/3। तो जो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू
एन पाई प्लस एल्फा, सिंपल फॉर्मूला रखना, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस एल्फा, इतना सा। देखो जरा कुछ समझ में आया हो तो। हाँ जी, समझ में आया क्या? यस सर। एन थीटा हमारा माइनस रूट थ्री है, रूट थ्री को टेबल से कंपेयर करा, एंगल निकाल लिया, माइनस में है तो टू क्वाड्रेंट होगा, प्लस में है तो टू क्वाड्रेंट होगा, दोनों में ले गए, हमारा एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया। जब प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ जाएगा, जनरल सॉल्यूशन सिर्फ फार्मूला बेस्ड होता है, आपको सिर्फ फार्मूले में वैल्यू रखनी है। एक क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है सिंपल, मैंने आपको बता दिया सिक्स हमारे पास फार्मूलाज हैं जनरल सॉल्यूशंस के लिए, तीन जीरो के लिए हैं और तीन अल्फा के लिए हैं। तो आपके पास 3.4 में पहला क्वेश्चन है, सर वो तो यही है, tan x is equal to root 3। नहीं बेटा, उसकी बात नहीं कर रहे। ये देखो सब बच्चे जरा ध्यान से, ये क्वेश्चन cos 4x is equals to cos 2x। तो यहाँ पे हमें कुछ करना नहीं है, सीधा सीधा सा फॉर्मूला ही यूज करना है, और आपसे सिर्फ जनरल सॉल्यूशन निकलवा रहा है क्योंकि यहाँ प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमेशा वैल्यू के लिए आएगा। तो आप कंसीडर करो कि भाई हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा, cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा, ये हमारे पास फॉर्मूला है। और अगर cos थीटा cos अल्फा होता है तो थीटा की वैल्यू होती है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ पे आप 4x को थीटा मान लीजिए और 2x को अल्फा मान लीजिए, तो आपके पास जो सॉल्यूशन आएगा वो आ जाएगा कि सर cos 4x इज इक्वल्स टू cos 2x। तो हमने क्या कहा, cos थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा, तो थीटा इज इक्वल्स टू 4x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा हो गया सर 2x। अब क्या है आपके पास, दो सॉल्यूशन, एक प्लस के लिए एक माइनस के लिए, तो प्लस के लिए सॉल्व कर लीजिए। तो आपके पास आएगा 4x इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस 2x, 2x को इस साइड लाके माइनस करेंगे तो 2x इज इक्वल्स टू 2n पाई, 2 से डिवाइड करेंगे तो सिंपली x इज इक्वल्स टू n पाई। तो एक सॉल्यूशन तो हमारे पास ये आ गया। दूसरा अगर आप माइनस लेंगे तो आपके पास आएगा 4x इज इक्वल्स टू 2n पाई माइनस 2x, तो 2x को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 6x is equals to 2n pi, 6 से डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास आएगा x is equals to n pi by 3। बताओ थोड़ा बहुत समझ में आया क्या? Yes sir। ठीक है जी। Yes sir। ठीक है, चलो आओ सर देखो हमारे पास क्या है। हम ये कह रहे हैं कि भाई sin theta is equals to sin alpha, अगर मैं साइन अल्फा को इधर लाऊं तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू जीरो। अगर हमारे पास ये हो जाएगा तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है? बदला करो ना। हाँ भाई, साइन सी माइनस साइन डी होता है, मैंने गलत लिख दिया शायद, क्या गलत लिखा मैंने? तो cos पहले होगा फिर sin होगा। वेरी गुड, तो पहले आएगा cos और फिर आएगा sin। तो sin c minus sin d होता है 2 cos c plus d by 2 and sin c minus d by 2। तो now अब हमारे पास इस रेशो के दो फैक्टर आ गए, एक sin एक cos। तो पहले sin को ही ले लेते हैं कि भाई अगर ये जीरो हैं तो या तो sin जीरो होगा या cos जीरो होगा। तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास हो गया कि cos थीटा प्लस अल्फा बाय 2 इज इक्वल्स टू 0, और एक हमारे पास सॉल्यूशन हो गया sin थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल्स टू 0। अब बताओ cos 0 कब होता है? ऊपर जो फार्मूला बताया था 90 के मल्टीपल पे,
90 के मल्टीपल तो हमारे पास क्या आएगा सर, तो थीटा प्लस अल्फा बाई टू इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई टू, यस और नो? यस सर। अगर हमारे पास ये होता है तो क्या हम 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं? यस सर, कर सकते हैं। क्या हम अल्फा को लेफ्ट साइड ले जा सकते हैं? तो 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा, तो ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ अल्फा। लेकिन अगर हम साइन को जीरो देखते हैं तो साइन जीरो कब होता है? n पाई के लिए, किसके लिए? n पाई, n पाई के लिए। तो इसका मतलब क्या है, थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2n पाई हो जाएगा। यस सर। और थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस अल्फा हो जाएगा। समझ में आया? हाँ भाई, सब बच्चों को समझ में आया या नहीं आया? यस सर, आ गया। ये हमने किसके लिए सॉल्यूशन निकाला है? ये हमने निकाला है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा के लिए, कि अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है जहाँ पे अल्फा जो है प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, तब थीटा के दो सॉल्यूशंस होते हैं। तो इन दोनों को हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आप यहाँ क्या देख रहे हो, अगर आप थोड़ा सा भी इन दोनों सॉल्यूशन को ऑब्जर्व करो तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे 2n पाई में अल्फा प्लस हो रहा है। 2n पाई में क्या हो रहा है? अल्फा प्लस प्लस हो रहा है। और यहाँ 2n प्लस 1 पाई में अल्फा माइनस हो रहा है, ठीक है जी। अगर अब मैं आपसे कहूं कि दोनों ही जो हैं वो पाई के मल्टीपल हैं, इधर भी पाई है इधर भी पाई है, इधर जो मल्टीपल है वो 2n है, तो 2n कहते हैं इवन को, और इधर जो है वो 2n प्लस 1 है, इधर कहेंगे ऑड को। यस और नो? यस सर। मतलब एक जगह पाई का इवन मल्टीपल है, एक जगह पाई का ऑड मल्टीपल है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, अगर इवन मल्टीपल है तो अल्फा प्लस हो रहा है, और अगर ऑड मल्टीपल है तो अल्फा माइनस हो रहा है। यही बात कह रहे हो ना आप? तो अगर पाई के दोनों मल्टीपल आ रहे हैं इवन भी ऑड भी, तो मैं इसको 2n ना कह के n पाई कह रहा हूँ। ध्यान से देखते जाओ, We have both multiples of pi, even multiples भी, odd multiple भी। तो इसको हम n कह सकते हैं simple। तो n में दोनों आ जाएंगे, odd भी, even भी। लेकिन करना क्या है? और even के लिए plus करना है, odd के लिए minus करना है। तो plus minus one की power n। minus one की power n का मतलब ये है कि अगर n मेरा odd होगा, तो ये plus minus minus हो जाएगा। और n अगर मेरा even होगा, तो plus minus वो जो minus one की power है, वो भी पॉजिटिव हो जाएगी, तो प्लस 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 होगा इनटू अल्फा, दैट इज माय थीटा। सब बच्चों को अगर ये समझ में आया हो तो बताओ। हमने इन दोनों सॉल्यूशन को कंबाइन कर दिया, हमने कहा ये दोनों सॉल्यूशन पाई के मल्टीपल हैं, तो अगर इवन और ऑड को मिलाएंगे तो एन पाई हो जाएगा। लेकिन हमें करना क्या था, अगर हमारा एन ऑड है, ये जो हमारा n है अगर ये ऑड है, तो आपको पता है माइनस वन की पावर ऑड माइनस हो जाएगी। यस और नो? यस सर। माइनस वन की पावर इवन क्या होती है? पॉजिटिव। तो अगर ये पावर ऑड है बेटे, तो अल्फा क्या होगा? अल्फा माइनस हो जाएगा। और अगर ये पावर इवन है तो अल्फा क्या होगा? पॉजिटिव। आगे समझ में नहीं आया? अब तो यहाँ से हमारा साइन थीटा का फॉर्मूला, आपके यहाँ डेरिवेशन नहीं आने जा रहा है, आपको सिर्फ बताया है। तो मैं सिर्फ आपको सिंपली क्या कह रहा हूँ, आप बस याद रख लीजिए बेटे कि अगर साइन थीटा जीरो है तो थीटा मेरा एन पाई है। बार बार यही कह रहा हूँ, इसी चीज को समझ लीजिए। क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है, क्वेश्चन देखो अभी पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट एनसीईआरटी का चैप्टर खत्म हो जाएगा। कॉस थीटा अगर जीरो है तो थीटा ऑड मल्टीपल ऑफ 90, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। और अगर tan थीटा जीरो है, तो मैंने आपसे कहा है tan तो साइन पे डिपेंड करता है, तो साइन वाली ही वैल्यू ले लीजिए। और अगर साइन थीटा साइन अल्फा है, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस वन की पावर n अल्फा। अगर cos थीटा cos अल्फा है, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। और अगर tan थीटा tan अल्फा है, तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस एल्फा। ये
ये 6 फॉर्मूलाज हैं जनरल सॉल्यूशन के लिए. अगर जीरो मिल गया तो ऐसे ही कर लेंगे, अल्फा मिल जाए तो सीधा फॉर्मूले में रख देंगे. आओ चलो देखो अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से होते हैं इस एक्सरसाइज के, वो देखिए. अब हमारे पास जो क्वेश्चन होंगे वो ऐसे होंगे जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के फॉर्मूले भी यूज होंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन भी यूज होंगे. बस यही हमारा कुल मिला के इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें रेशो इन्वॉल्व है, तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है. ये हमारे पास है, आपसे कह रहा है cos 3x plus cos x minus cos 2x is equals to 0. अब यहाँ पे सब बच्चे एक चीज तो ये समझ लीजिए कि यहाँ जो होगा बेटे वो लिखा हुआ होगा सॉल्व, समझ रहे हैं? लेकिन ध्यान से देखिए इसी तरह के क्वेश्चन में लिखा होता है प्रूफ, ठीक है? अब ऐसा मत करिएगा कि आपसे कह रहा है क्वेश्चन सॉल्व का और आप लग जाओ तलवार निकाल के इसको प्रूफ करने में कि LHS equals to RHS आज जीरो लाना है, तो सर आप कुछ भी कर लेना जीरो नहीं आएगा, ठीक है? तो कंफ्यूज मत हो जाना क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 में है और ऐसे ही क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.4 में है. यहाँ हमें करना है सॉल्व, सॉल्व का मतलब एक्स की वैल्यू चाहिए, और वहां आप कर रहे थे प्रूफ कि भाई LHS equals to RHS जीरो आ जाए, तो आप जो चाहे कर लीजिए जीरो नहीं आएगा, तो प्लीज प्रूफ करने मत बैठ जाना. चलो जी अब आओ जरा देखो ध्यान से हो क्या रहा है. हमारे पास क्या है बेटे, cos 3x plus cos x minus cos 2x is equals to 0. तो अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के फॉर्मूले लगेंगे, लेना तो हमें इक्वेशन है सॉल्व करना है. तो अगेन ये हमारे पास है cos 3x plus cos x, cos c plus cos d का फॉर्मूला किसी को याद है? 2 cos c plus d by 2, 2 cos c minus d by 2. Yes. सीधा सीधा सा हम ये अप्लाई करेंगे माइनस कॉस 2x एज इट इज, तो आप देखेंगे 3 प्लस 1 4 2 हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 बाई 2 1 हो जाएगा. क्या हम कॉस 2x कॉमन ले सकते हैं? यस सर. हमारे पास रह जाएगा 2 कॉस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. अब अगर आप चेक करेंगे तो हमारे पास सर दो फैक्टर आ गए. कौन कौन से फैक्टर आ गए? एक हमारे पास फैक्टर आ गया cos 2x is equals to 0 और एक हमारे पास फैक्टर आ गया 2 cos x minus 1 is equals to 0. तो पहला फॉर्मूला तो हमारे पास यही है जब cos theta 0 होता है. हाँ भाई, cos theta 0 किसके इक्वल होता है? थीटा इज इक्वल्स टू ऑड मल्टीपल ऑफ 90. यस और नो? हाँ भाई, यस और नो? यस. अगर कॉस थीटा जीरो है तो थीटा 2n मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ 90 होता है, और यहाँ थीटा है 2x, तो मुझे सिर्फ x चाहिए, 2x नहीं चाहिए, तो 2 से भी डिवाइड कर दो, तो सिंपली मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 4. अच्छा इधर ले आओ, 2 cos x minus 1 is equals to 0, तो 2 cos x is equals to 1 and cos x is equals to 1 by 2. अब वहां पहुंचो जहां हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते थे, तो 1 by 2 जो होता है cos 60 के लिए होता है, cos 60 को हम pi by 3 कह सकते हैं, और क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा को थीटा ही रखना होता है, तो यही मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा. सब बच्चे बताओ यस और नो? Yes, sir. मुझे चेंज करने की भी जरूरत नहीं है. तो अब आपका फॉर्मूला कौन सा लगेगा? cos theta is equals to cos alpha. बताओ cos theta is equals to cos alpha में theta की वैल्यू क्या होती है? 2n plus 2n pi plus minus alpha. 2n pi plus minus alpha. Alpha कितना है यहाँ पे? pi by 3. ये हमारे पास दो सॉल्यूशन आ गए. सबको समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. Yes, तो सिर्फ ये है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. एक क्वेश्चन आप सब बच्चों के लिए ट्राई करो जल्दी से. यहाँ पे हमारे पास हो गया, हमने इसको रीअरेंज कर लिया, 5 को x 1 के साथ 3 के साथ रह गया अलग, तो आप साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 साइन सी प्लस डी. 5 प्लस 1 6 बाई 2 3 एंड दूसरा आएगा कॉस. बताओ सी माइनस डी. 5 माइनस 1 4 by 2 2 2x
साइन थ्री एक्स. सबको समझ में आ गया ये? यस सर. व्हाट इज कॉमन? साइन थ्री एक्स. साइन थ्री एक्स. साइन थ्री एक्स आपके पास आ गया. टू कॉस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो. बस इतना ही पार्ट है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का. अब इक्वेशन का पार्ट शुरू हो जाता है. नाउ वी हैव टू फैक्टर्स. साइन थ्री एक्स अगर जीरो है तो आपके पास फॉर्मूला लगेगा साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो. बताओ साइन जीरो कब होता है? n pi के लिए. n pi. n 180 मल्टीपल्स, ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ पाई. तो x इज इक्वल टू n pi बाई थ्री. अच्छा हमारे पास क्या है बेटे? 2 cos 2x plus 1 is equals to 0 है, तो cos 2x is equals to minus 1 and finally cos 2x is equals to minus 1 by 2. अगर 1 by 2 है तो फिर मैंने आपसे कहा था 60 के लिए है, 60 को pi by 3 कहोगे. अच्छा quadrant cos जो है वो हमारे पास या तो second या third. second में अगर इसे कर लूँ मैं तो pi minus theta होता है. पाई माइनस थीटा थ्री बन जा थ्री माइनस वन टू पाई बाई थ्री हो जाएगा. क्या हो जाएगा? यस सर. टू पाई बाई थ्री. तो मुझे कोई प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो निकालना नहीं था, तो जो दोनों निकालूं एक ही चाहिए मुझे. अब कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा. तो थीटा क्या होता है भाई? टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा. फॉर्मूला याद रखिएगा बस. टू से डिवाइड कर दीजिए. तो अगर टू से डिवाइड करेंगे तो सिंपली एन पाई प्लस माइनस पाई बाई थ्री रह जाएगा. यस और नो? यस सर. ये हमारे पास क्लियर है सब बच्चों को? जी सर. आइए छोटे छोटे से दो क्वेश्चन रह रहे हैं, चैप्टर आपका इंशाल्लाह खत्म है. चलो शाबाश. देखो फैक्टर्स ही करने हैं, प्लस माइनस को ही रिमूव करना होता है बेसिकली, और कुछ करना होता नहीं है. हमारे पास ये क्वेश्चन है साइन टू एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू जीरो. तो अगर हमारे पास ये है तो क्या मैं साइन टू एक्स को, ध्यान से देख लीजिए, मेरे पास क्वेश्चन है साइन टू एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू जीरो. क्या मैं साइन टू एक्स को टू साइन एक्स कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स लिख सकता हूँ? यस सर. कॉस एक्स मैं कॉमन ले लूं तो मेरे पास रह जाएगा टू साइन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो. अगेन टू फैक्टर्स मेरे पास आ गए. एक मेरे पास हो गया कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, एक मेरे पास हो गया टू साइन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो. तो सिंपली साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू. अब बताओ अगर कॉस थीटा जीरो है तो क्या हमारे पास होता है थीटा? ऑड ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है ना भाई. अब साइन हमारे पास हाफ है तो ये 30 के लिए होता है. 30 होता है पाई बाई सिक्स. साइन नेगेटिव होता है थर्ड एंड फोर्थ. थर्ड में करने के लिए क्या करेंगे? पाई से प्लस करेंगे. पाई से प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 पाई बाई 6. क्या हो जाएगा सर? 7 पाई बाई 6. तो आपके पास क्या हो गया? साइन थीटा साइन अल्फा होता है. तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन अल्फा. ये हमारे पास आंसर आ गया जी समझ में. ठीक है जी. जरा लास्ट क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का, तो लेकिन एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में दिया हुआ है वो अच्छा है थोड़ा सा, वो भी करेंगे. तो दो क्वेश्चन और रह रहे हैं छोटे छोटे से. ये हमारे पास है sec square 2x is equals to 1 minus tan 2x. बताओ sec square theta का tan में रिलेशन क्या है? 1 plus tan square theta. 1 plus tan square theta. यहाँ theta 2x है ना भाई? हाँ भाई सब बच्चे. sec square theta. तो theta यहाँ 2x है. तो sec square theta को 1 plus tan square theta लिखेंगे तो theta 2x हो जाएगा. क्या 1 से 1 cancel हो गया? Yes sir. 2x को इधर लाओ, minus को plus हो जाएगा. तो tan square 2x plus tan 2x. Yes or no? Yes sir. Yes, sir. एक पावर कॉमन ले लो. तो अगर एक पावर कॉमन लोगे तो tan 2x plus 1 रह जाएगा. तो हमारे पास क्या हो जाएगा? tan theta is equals to 0. tan theta 0 होता है n pi के लिए. तो x की वैल्यू आ जाएगी n pi by 2. दूसरा हमारे पास क्या है सर? दूसरा हमारे पास है tan 2x plus 1 is equals to 0. तो यहाँ से tan 2x आएगा minus 1.
वन होता है पाई बाई फोर के लिए, लेकिन टेन नेगेटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाओ उसे, सेकंड में करोगे तो पाई माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा थ्री पाई बाई फोर, लेफ्ट साइड है टेन टू एक्स। अगर टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा होता है तो थीटा की वैल्यू क्या है? n pi plus alpha। जब तक फॉर्मूले याद ना हो शीट पे सारे फॉर्मूले लिख के सामने रखिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो n pi by 2 plus 3 pi by 8, ये हमारा आंसर है दोनों। आया सर समझ में? यस सर। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, यस हम इसे कहिए ना अनीफ अंकल को फोन कर दें, बस एक मिनट, क्लास लास्ट है क्वेश्चन फिर कर। ये सब बच्चे जरा ध्यान से देखिए, बताइए क्या करोगे? tan 2x is equals to minus cot x plus pi by 3, तो ये आप कैसे सॉल्व करोगे?